कांग्रेस की सरकार में रहेगा। मुसलमानों अब एक हो जाओ और कांग्रेस का दमन थाम लो। अब देश में फिरका परस्ती से अगर खात्मा करना है फिरका परस्ती का, तो कांग्रेस का हाथ पकड़ना होगा। मुसलमानों एक हो जाओ, हमें देश से मोदी योगी को उखाड़ फेंकना है, ये भड़काऊ बयान आया है मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से ताजे ताजे कांग्रेसी हुए निवर्तमान सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी की तरफ से। हाजी इकराम कुरैशी सपा संस्थापकों में मुलायम सिंह यादव की टीम में रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका टिकट क्या काटा, वो बागी हो गए और इन्होंने कांग्रेस का दामन थामते हुए मुरादाबाद के देहात विधानसभा सीट से नामांकन कराते हुए अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान नेताजी अपने पुराने तेवर में ही ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए कैमरों के सामने भाषणबाजी शुरू कर दी। नेताजी कह रहे हैं कि मुसलमानों कांग्रेस का हाथ थाम लो, तुम यहीं सुरक्षित हो। इसके अलावा भी काफी देर तक नेताजी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर अपनी भड़ास निकालते रहे। को मुंह तोड़ जवाब दे सके, योगी और मोदी को उखाड़ कर फेंक सके, वो पार्टी है कांग्रेस। 2024 में कांग्रेस मोदी को उखाड़ कर फेंकेगी। हमें आज से कांग्रेस का पंजा पकड़ लेना चाहिए, कांग्रेस का हाथ पकड़ लेना चाहिए। इस देश में और इस प्रदेश में मुसलमान हिफाजत से कांग्रेस की सरकार में रहेगा। मुसलमानों अब एक हो जाओ और कांग्रेस का दमन थाम लो। अब देश में फिरका परस्ती से अगर खात्मा करना है फिरका परस्ती का, तो कांग्रेस का हाथ पकड़ना होगा।